आज का प्रश्न है, क्या 1,000 की एसआईपी से करोड़पति बना जा सकता है? क्या करोड़ों का फंड क्रिएट किया जा सकता है? आज हम बात करेंगे एक छुपे हुए म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में। शायद बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, पर कमाल का स्कीम है, कमाल का रिटर्न्स दिया है, कमाल का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, रिस्क एनालिसिस कमाल का है। ए टू जेड सारा इंफॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा ताकि आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिल सके। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम पांडे और स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए। इसमें हम अगर क्या 1,000 रुपए की एसआईपी करके 3,000 करोड़ की संपत्ति वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है इस तरह का? कोई भी कमेंट करने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहता है, प्लीज वॉच द फुल वीडियो, देन आफ्टर आप कमेंट करिए। स्वागत है आपका, लेकिन पूरा वीडियो देख लिया करिए। थोड़ी सी वीडियो देख करके कमेंट करना एक बुद्धिमान और समझदार लोगों की निशानी नहीं है। हाँ, आज बात करेंगे, देखेंगे कि मात्र 1,000 की एसआईपी से आप 3,000 करोड़ के फंड कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हमने बोला है कि कर सकते हैं तो क्या पॉसिबल कि हो सकता है? चलिए देखते हैं कितना होगा, कितने टाइम में होगा, और इतने बड़े फंड के पीछे आपको कितना टाइम देना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इस फंड के रिटर्न्स के बारे में। रिटर्न से पहले हम लोग बात करेंगे थोड़े से इसके, इसमें छह जो होते हैं वो रिस्क रेशियो होते हैं। आप शायद को पता होगा रिस्क रेशियो, जो हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन रिस्क रेशियो को जानना बहुत जरूरी होता है। ये छह, जिसमें से आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई वोलेटिलिटी, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, बाकी ये छह में से पांच जो है वो फेवरेबल है, बेटर रिस्क एडजस्टमेंट है, बेटर रिस्क एडजस्टमेंट, लो वोलेटिलिटी। बेटा क्या कर रहा है? लो वोलेटिलिटी शो कर रहा है, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है वो थोड़ा सा वोलेटिलिटी हाई शो कर रहा है। बट यहाँ पे एक दो होते हैं जिससे हम लोग वोलेटिलिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, इसमें से एक हमारे फेवरेबल है। ट्रेनर रेशियोज भी बेटर रिस्क एडजस्टमेंट है, बेटर एवरेज मंथली रिटर्न्स भी जबरदस्त है। बात करें रिटर्न्स का, रिटर्न्स क्या है, तो 5 साल के अंदर इसने 23% का रिटर्न्स बना के दिया है, 23.5% का रिटर्न्स बना के दिया है, 40% का रिटर्न्स बना के दिया है 3 साल के अंदर, और 67% का रिटर्न्स बना के दिया है आपको 1 साल के अंदर। आप इस तरह के रिटर्न्स देख करके क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबल है, क्योंकि मैं खुद से तो बोल नहीं रहा हूं भाई, यहां पे रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने बना करके दिया है, और क्यों दिया है उसका भी रीजन देखेंगे हम लोग, क्योंकि सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे हम किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देते हैं। अगर मान लीजिए कि आप 1,000 रुपये करते हैं, 1,000 पर मंथ की एसआईपी है, और जैसे कि हमने देखा कि 3 साल के अंदर इसने 40% रिटर्न बना दिया है, 1 साल के अंदर 67% का, और ये अब मान लेगी 40% का रिटर्न इन फ्यूचर्स में बना कर दे दे, 23% का रिटर्न बना के दे सकता है, 40% का भी। हमने ये जूम किया है, रिटर्न फ्लक्चुएट हो सकते हैं, 40 से ऊपर भी हो सकते हैं, 40 से कम हो सकते हैं, बट इन फ्यूचर्स पे एवरेज अगर 40 हो जाए तो हो सकता है ठीक है भाई, आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसको हम लोग एक एवरेज 40 लेके चलते हैं कि अगर 40 दे दिया तो क्या होगा। 40 का अगर रिटर्न्स दे देता है 40% का, जो कि पॉसिबिलिटी में भी पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर दे दिया तो आपका 1,000 का इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए 15 लाख हो जाएगा, 15 साल में आप करोड़पति हो जाएंगे अगर इस रेट के साथ आपको मिलेगा तो। रेट अगर थोड़ा सा डाउन हुआ तो आपको करोड़पति बनने में हो सकता है कि टाइम बढ़ जाए, 20 ईयर्स लग जाए, कोई बात नहीं, फिर भी आपको 20 ईयर्स में करोड़पति बन जाएंगे। पर इस रेट के साथ अगर 20 ईयर्स में आपका पास 8 करोड़ रुपए हो जाएंगे सर, और अगर 25 साल में 58 करोड़,
30 साल में 414 करोड़, और अगर 35 साल के लिए पैसे आप इन्वेस्ट करते रहते हैं तो यह हो जाएगा लगभग 2967 करोड़, यानी कि 3000 करोड़ के करीब आपके पास फंड कलेक्ट हो जाएंगे। हमारी देखो हमारी सोच इसलिए रहती है बिकॉज मैं इतना बड़ा अमाउंट और रिटर्न्स शो करने के पीछे मेरा सिंपल रीजन जो होता है वो होता है इंस्पायरिंग द पीपल फॉर द इन्वेस्टमेंट। यार अगर आप एक बात बताइए, 3000 करोड़ नहीं 300 करोड़ ही मिल जाए तो क्या दिक्कत है, पॉसिबिलिटी है ना, 100 करोड़ ही मिल जाए क्या दिक्कत है। आप इतने बड़े रिटर्न्स के पीछे 1000 के इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, तो हमारा जो टारगेट रहता है वो पर्पस है कि आप इतने बड़े फंड भी बना सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन के साथ मार्केट में काम करते हैं तो, और एक सिस्टमेटिक पैसा इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट को टाइम देते हैं तो। जिस फंड की बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF। ये ETF की तरह है, ETF की तरह ही है, और जबरदस्त कमाल का रिटर्न्स बना के दिया है सर, कमाल का रिटर्न्स। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इस फंड का, एसेट्स एलोकेशंस मैक्सिमम पैसे इक्विटी में, लगभग 100% करीब पैसे आपके टोटल शेयर मार्केट के अंदर जा रहे हैं, यानी कि कंपनी के स्टॉक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। और इन शेयर मार्केट्स में जो सबसे ज्यादा पैसे जा रहे हैं वो लगभग 90% पैसे आपके टॉप 100 कंपनियों में जा रहे हैं। ये सबसे बढ़िया बात है भैया कि आपका मैक्सिमम जो पैसा है ना वो टॉप 100 कंपनी में जा रहा है और सिर्फ 10% करीब पैसा आपका 100 के ऊपर वाली कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहे हैं, यानी कि यहां पर स्मॉल कैप में आपका 1% भी पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। टॉप के 100 कंपनियों में जा रहे हैं वो भी भारत सरकार के एसेट्स ETF का मतलब आप जानते ही हैं, तो टॉप के 100 कंपनियों में पैसे जा रहे हैं और मिड कैप में जो है वो 10% करीब। सेक्टर्स की बात करें कौन कौन से सेक्टर है, सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर्स में पैसा जा रहा है 34%, फाइनेंस में 20%, कंज्यूमर स्टेपल्स 15%, कंस्ट्रक्शन 15%, मेटल्स एंड माइनिंग 5%। यानी इन 5 सेक्टर्स की बात करें जिसमें मैक्सिमम पैसे 90% करीब पैसे इन 5 सेक्टर्स के अंदर जा रहे हैं, और इसके अलावा 9 और 10% करीब पैसा अदर सेक्टर्स में जा रहा है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितनी बढ़िया जबरदस्त इसकी पोर्टफोलियो है। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड लेके आते हैं, इनका वीडियो देखा तो उनका बना दिया, उनका वीडियो देखा तो उनका बना दिया, रिसर्च नाम भी कोई चीज है नहीं, अपनी अपनी मर्जी है, दैट्स एवरीवन फ्री टू। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फंड के बारे में देख लेते हैं। रेटिंग भाई जबरदस्त है, 5 रेटिंग है। एक्सपेंस रेशियो जो है ना वो 0.11% का एक्सपेंस रेशियो, नो एग्जिट, कोई नहीं, जब चाहो तब पैसे निकालो फ्री ऑफकोर्स भाई, कोई पैसे आपको नहीं चार्ज कटेंगे, ठीक है। 1100 करोड़ का इसकी फंड साइज है, नो लॉक इन पीरियड है, जब चाहो पैसे निकालो, 5 साल 10 महीने यानी कि 6 साल मार्केट में अप एंड डाउन देख चुका है। ए हमारा BSE भारत 22 टीआर में बिलोंग करता है, 1000 के साइपी मिनिमम कर सकते हैं लमसम 5000 का, और वही हमारा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% 1 लाख के ऊपर के अमाउंट पे अगर 1 साल के अंदर पैसा रिडीम करते हैं तो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% 1 लाख के ऊपर के अमाउंट पे अगर आप 1 साल के बाद पैसा रिडीम करते हैं तो। हमारे चैनल पे इस तरह के वीडियोस कंटिन्यूसली डेली अपडेट किए जाते हैं ताकि आपको एक फाइनेंशियली लिटरेसी की तरफ बढ़ाया जा सके। आपको भी इस तरह के वीडियोस पसंद है, चाहते हैं आपको मिलता रहे तो वीडियो पे आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के अपडेट्स इन फ्यूचर्स में मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।